महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को कर रहे हैं संबोधित। पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा चुनाव के लिए आज आ सकती है बीजेपी की पहली सूची। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले लाल रंग प्रेम मिलन का प्रतीक, जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो दुर्भावना रखते हैं, कोई रंग अच्छा बुरा नहीं बस नजरिए का फर्क। कोलकाता रेप मर्डर केस पर नहीं थम रही सियासत, बीजेपी और कांग्रेस के बाद आज से तृणमूल भी सड़कों पर, ममता के छात्र नेता करेंगे कॉलेज का घेराव, बीजेपी का भी धरना प्रदर्शन जारी। आग लगाने की धमकी वाले बयान पर घिरी ममता बनर्जी, बीजेपी नेताओं की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे राज्यपाल, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। फरुखाबाद में दो लड़कियों के पेड़ से लटकने के मामले में एक्शन, खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में दो लड़के गिरफ्तार, दोनों सहेलियों के अलावा कई और लड़कियों के संपर्क में थे आरोपी। गाजियाबाद में हिंदू लड़की से रेप के बाद बवाल, नाराज लोगों ने आरोपी फैजान की दुकान तोड़ी, पीड़ित परिवार को गैंगरेप की आशंका, थाने के बाहर हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में पहली गिरफ्तारी, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल अरेस्ट, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मालवण पहुंचकर अधिकारियों से ली जानकारी। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण, आज और कल दो शिफ्ट में परीक्षा, सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। गुजरात में बारिश, बाढ़ का कहर बरकरार, अब तक 32 लोगों की मौत, 11 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तटीय इलाकों में साइक्लोन का भी खतरा।